नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर वन विभाग से है। साहिबगंज में वन विभाग ने जलीय जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर डीएफओ प्रबल गर्ग के नेतृत्व में आरपीएफ व नगर थाना पुलिस के सहयोग से शुक्रवार की देर शाम साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी डाउन 14004 आणंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन में छापामारी कर एक कछुआ एवं बरहरवा से दो कछुआ बरामद किया है। कछुआ एक बैग में भरा हुआ था। ट्रेन की तलाशी के दौरान एक बोगी में संदिग्ध अवस्था में एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। बैग खोलने पर उसमें 21 किलो का कछुआ बरामद हुआ। इधर ट्रेन खुलने के बाद बरहरवा में भी तलाशी ली गई, जहां उसी तरह के दो अलग अलग पिट्ठू बैग से गमछे से लिपटा दो छोटा कछुआ बरामद हुआ। डीएफओ प्रबल गर्ग ने बताया कि बिहार भागलपुर वन विभाग सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। भागलपुर में भी कछुआ बरामद की गई है। कछुआ की बरामद की एक बड़ी सफलता है। इस संबंध में डीएफओ ने और क्या बताया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार। आज साहिबगंज स्टेशन पे मालदा टाउन एक्सप्रेस में हमें सूचना मिली भागलपुर वन प्रमंडल से कि इसमें कछुओं का इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कछुए सीज हुए थे। सूचना पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने वन विभाग की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें रेलवे से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। आरपीएफ की टीम भी आई थी, नगर थाना भी पहुँच गया था और हम सब ने मिल के यहाँ पे हम एक ही कछुआ को पकड़ पाने में सफल रहे और इस तरह की तलाशी और कार्रवाई जारी रही।